माइनक्राफ्ट, जो माइनक्राफ्ट है ना, माइनक्राफ्ट के जैसे लाइक गेम्स जो कि एंड्रॉयड है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा लुकी ग्राफ्ट, और एक वो भी गेम है माइनक्राफ्ट हाउस गेम। तो ये पहले माइनक्राफ्ट हाउस गेम है, तो फिर इसको प्ले करते हैं। मैंने वैसे ही इसको खेला है, पर अभी खेलता हूँ मैं से, पर अभी तो न्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी क्रिएटिव में करता हूँ। और इसमें ना एक और क्या होता है, ये एडवांटेज में हमें फ्लैट भी कर सकते हैं, वर्ल्ड को इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, ओल्ड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ओल्ड पे किया, देख लो पूरा ओल्ड है एकदम। मैं पहले से सामान दिए रहते हैं क्रिएटिव मोड में, इसमें देखो पूरा ओल्ड का है ये, देख लो एकदम लकड़ियाँ भी मैच कर रही है ये देखो। मैं तो ऐसे हमने टाइम पास के लिए मैंने गेम डाउनलोड किए थे, पर तब पता चला मेरे दिमाग में कि माइनक्राफ्ट भी तो एक पीसी गेम है, तो मैंने सोचा चलो पकड़ते हैं फिर कोई गेम। अभी तो इतने सारे ग्राफिक्स उसके बहुत अच्छे, इसके ग्राफिक्स भी, और वैसे भी हमें इतने सारे जैसे वेपन्स दिए जाते हैं वैसे ही है ये, देख लो ये देखो सारे आर्मर्स होंगे नेदरराइट को छोड़ के, वो तो रियल माइनक्राफ्ट में होंगे, वो किसी में भी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये देख लो एकदम रियल लग रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स भी एकदम रियल ही है, और यहाँ पे जो मोप्स है ना, मोप्स में भी ये देख लो प्लेज ऐसे ही होते हैं माइनक्राफ्ट में भी, रियल माइनक्राफ्ट में। जिसके पास पीसी लैपटॉप है वो खेलता ही होगा, तो मैं मोबाइल में भी खेलता हूँ फ्री में डाउनलोड करके, पर अभी के लिए बाद में बताएंगे आप लोगों को। लेकिन जो लोग लैपटॉप में खेलते हैं उनको तो पता ही होगा, उन्होंने तो पूरा तो माइनक्राफ्ट खेलती हैं, पता ही होगा, ठीक है। ये देख लो पेड़ वाला माइनक्राफ्ट है, इसको ख़रीदना होता है, परचेस करना होता है। ये भी ये एकदम सेम है, ये स्केलेटन भी सेम है, अरे और ये ब्लॉक्स भी माइनक्राफ्ट की जैसे हैं, बाकी नेदरराइट तो नहीं, इसमें एंडरवर्ल्ड भी नहीं होता है, लेकिन इसमें नेदर तो होता ही है, बाकी सब तो इसमें अच्छा ही है, बढ़िया ही है। और गाइस इसी के साथ ही इस गेम में आपको क्या देखने को मिलेगा बताऊं, किधर गया अरे देखने को नहीं, डिफरेंस चीज़ें थोड़ी माइनक्राफ्ट से थोड़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे ग्लो स्टोन देख लो, ऐसा नहीं होता है माइनक्राफ्ट, मैंने भी बहुत दिनों से नहीं खेला, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से तो होता नहीं ऐसा। बाकी इसमें वैसे भी कुछ ब्लॉक्स है जो कि सेम टू सेम तो माइनक्राफ्ट जैसे नहीं है, लेकिन ग्राफिक्स जो है ना वो एकदम माइनक्राफ्ट के जैसे ही हैं, देख लो। इसमें क्रिएटिव मोड भी है, सर्वाइवल भी है, और माइनक्राफ्ट की तरह इसमें इन्फिनाइट मोड, इन्फिनिटी मतलब पूरा वर्ल्ड इन्फिनिटी वैसे होता तो है, लेकिन तभी भी फ्लैट भी है, ओल्ड भी है, ओल्ड में खेल रहा हूँ, पर ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे एडवांटेज में। और ये माइनक्राफ्ट की तरह है, कभी एंड नहीं होगा, मतलब माइनक्राफ्ट एंड नहीं होता, उसके लाइक गेम से ये भी एंड नहीं होगा, क्योंकि ये गेम लगभग उसी के जैसे, पर एक काव थोड़ी अलग है, ठीक है गाइस। तो ये तो हमारा नंबर वन गेम हो गया, दो गेम्स को हम ट्राई करेंगे सबसे बेस्ट है अभी तक के प्ले स्टोर में। तो दूसरे गेम का नाम है हमारे लुकी ग्राफ्ट का, तो उसकी ओर भी बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट गेम है माइनक्राफ्ट लाइक माइनक्राफ्ट के जैसा, उसका नाम है लुकी ग्राफ्ट, ये भी आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड है। चलो फिर प्ले करते हैं। ये तो एकदम बढ़िया है, ये माइनक्राफ्ट की तरह, इसमें लगभग सब माइनक्राफ्ट की तरह होगा। ओके ब्लॉक्स इसमें बहुत अलग होंगे, पर बहुत कुछ इसमें बहुत बढ़िया है, जो कि इसको रियल माइनक्राफ्ट जैसा बनाता है। अगर बहुत सारे लोग तो माइनक्राफ्ट के नाम पे से खेलते हैं, आर्मर से ये कैरेक्टर वैरेक्टर सब कुछ इस गेम में है ही, कि क्रिएटिव मोड है पूरा, इसमें भी वैसा ही है जैसे एडवांटेज थी ना उस वाले में, उसमें भी वैसा ही है। वैसे खाली मैंने अपने वो पार्क और के लिए बनाया था, इतना लंबा मस्त है, वैसे तो इसमें सब कुछ मस्त है। और जैसा कि मैंने उसमें दिखाया था आप लोगों को, वैसा इसमें भी है,
बस थोड़े से जो ब्लॉक्स ब्लॉक्स होंगे ना सब अलग होंगे इसमें से, पर ये बहुत अच्छा गेम है, ट्राई करके देखना और बहुत ही अच्छा होगा। देख लो मैं फुल गारंटी देता हूँ, आप लोगों को मज़ा तो आएगा ही आएगा। बस इसमें भी नेदर वर्ल्ड तो होता नहीं है, नेदर तो होता ही है। बाकी मुझे नहीं पता एंडर वर्ल्ड कहते हैं कि क्या कहते हैं, या एंडर ड्रैगन होता है उसे। चलो फिर अभी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं, ये है। वैसे नेदरराइट तो इसमें भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, इसमें भी सर्वाइवल में खेलोगे ना माइनक्राफ्ट जैसा फील होगा। ओके तो गाइस अभी तो ये भी हमारा कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ ना, बस इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। फिल्टर स्टील थोड़ा धमाके भी करते हैं। और गाइस आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ना रोज़ जैसे मैं ये वीडियो जो अभी बना रहा हूँ ना, ये मैं 15 अगस्त के दिन यानी आज बना रहा हूँ 15 अगस्त को, और ये वीडियो मैं कल डालूँगा, तो ऐसा ही करता हूँ। इसलिए आज 15 अगस्त तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। चलो इसी बात पे हो जाए धमाका। ओके 3 2 1 चालू, 3 2 1 भटम 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 भटम। वाह ग्राफिक्स अच्छी हैं। बाकी एक काम करता हूँ, प्लैंक बूटी को ले लेता हूँ। चलो और लंबा बाद में बताऊँगा मैं बना क्या रहा हूँ। और आज इंडिपेंडेंस डे है तो आप लोगों को पता ही है मैं बनाऊँगा क्या। बाकी तो थोड़ी मेहनत करके बनाते हैं, मतलब बहुत मेहनत करके बनाएंगे। तो अभी मुझे ऑरेंज ब्लॉक चाहिए, यहाँ पे ही मिलेगा ऑरेंज। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना अच्छा लगा कि नहीं। बाकी तो बनाते हैं। और गाइस इस वीडियो को तो देखना ही देखना भाई, और वीडियो ये भी देखो कि चलेगा। ये तो इंडिपेंडेंस डे पे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हम। ओके तो 3 ब्लॉक्स का तो मैंने ऊपर का ये ऑरेंज बना दिया, तो वैसे ही झंडा लगने लग गया, पर कोई बात नहीं, एक्स लग रही, कोई बात नहीं। कुल्हाड़ी वाली एक्स लग रही यार ये। अब मुझे वाइट ब्लॉक कहाँ से मिलेगा, वाइट मुझे नहीं लगता मिलेगा। स्नो लगा देते, कोई बात नहीं। ओके चक्र बनाना बहुत मुश्किल है, चक्र बनाने में हालत ख़राब होगी, पर बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे। चलो फिर लग जाते हैं अभी काम पे। ओके तो इतना तो हमारे झंडे का, अभी ऐसा तो नहीं बनाना था, पर अभी थोड़ा देखते हैं कैसे बनाते हैं। अभी ब्लू चाहिए, ब्लू ऐसा तो नहीं बनेगा, गोल जैसा सर्कल जैसा, पर एकदम डब्बे जैसा बन सकता है। देखते हैं फिर ब्लू लाइट ब्लू नहीं चाहिए, डार्क ब्लू मिलेगा। ओके बड़ी मेहनत करके बना रहा हूँ। चलो आई थिंक सो मेरे से ऐसा ही बनेगा, ज़्यादा तो नहीं बन रहा, इतना ही बन रहा है। छी ये तो गंदा लग रहा है यार, कोई बात नहीं थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसको हटाते हैं। अरे वाइट भी तो चाहिए, वाइट स्नो चाहिए स्नो। तो इसको तो ये सब तो ठीक ही है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है ना, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे और ख़त्म। नहीं 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 यार, चलो फिर ऐसे ही कर लेते हैं।
क्योंकि गोल जैसा तो मेरे से बनेगा नहीं, ऐसा ही बन रहा है। देखते फिर यहाँ पे ये लगा दिया। तो प्रॉब्लम हो गई, ये तो झंडा नहीं लग रहा हमारा, और प्यारा झंडा तो लग ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे। चलो अभी के लिए ऐसा ही बनाते हैं गाइस, सॉरी पर बड़ी मेहनत करके बना रहा हूँ, तो लाइक तो कर ही देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो अभी तो मैं चक्र भी नहीं बनाए जाएंगे मेरे से, मैं इस टाइप से कर दे रहा हूँ, सॉरी गाइस। पर अभी ऐसा तो नहीं बना, पर अगली बार देखेंगे फिर बनता है कि नहीं। बाकी एक काम करता हूँ अभी, क्या करूँ, चक्र तो बन नहीं रहा, चक्र को रहने देता हूँ। हाँ यार, चक्र को रहने ही देता हूँ, फटाफट से करता हूँ, वीडियो भी बहुत लंबी बन रही है। स्नो ही लगा दूँ, स्नो 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 लगाने हैं, बस स्नो लगा देता हूँ बस। ये हो गया, अभी वो चाहिए, ये चाहिए, ओह इसको भी तोड़ के यहाँ पे भी लगा दिया। अभी ये बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा छोटा बना देंगे, इतना काफ़ी है। उसके नीचे इसे ग्रीन कलर को लगा देते हैं, ये काफ़ी है। और गाइस फाइनली हमारा तिरंगा बनने वाला है, चक्र बनाए नहीं जाएंगे मेरे से, इसलिए नहीं बना पाया, पर चक्र के बिना भी ये अच्छा ही लग रहा है, और भारतीय और इंडियंस के लिए तो ये अच्छा ही लगेगा ना, क्योंकि जैसा भी झंडा है, झंडा तो है ना हमारा, हमारे देश का है। ओके तभी मैं वीडियो का एंड करता हूँ, बाकी ज़्यादा तो लंबा भी नहीं बनाया मैंने, पर कोई बात नहीं, ठीक ही बना है। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ, जय हिंद जय भारत, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना, बाय।